Hi guys, my name is Ankit Bohre. I'm from Velocity, the English Factory. आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज बेसिकली आप अपनी इंग्लिश को चेक करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको 10 सेंटेंसेस दूंगा। इन 10 सेंटेंसेस में आपको जवाब देने हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास होगा और हर एक सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक नंबर, ऑलराइट, वन मार्क। और आपको देखना है 10 मार्क्स में से आप कितने हासिल कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल इंग्लिश को चेक करेगा। दोस्तों देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एट योर लेवल। आपको जवाब खुद को देना, मींस आप अपने आप को एग्जामिन करने वाले हैं। मैं आपको एग्जामिन नहीं करने वाला हूं दोस्त, आप खुद अपने आप को चेक करेंगे कि आप सही है गलत है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क योरसेल्फ गाइस। चलिए तैयार हो जाइए। पहले दोस्तों ये क्या है, इन्हें मूछ बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे और उसका स्पेलिंग बताइए। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम और आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑलराइट गाइस, इन्हें बोलते हैं मुस्ताश। इसे बहुत से लोग मुस्टैच बोलते हैं जो कि गलत उच्चारण है। इसे हम बोलेंगे मुस्ताश और इसका स्पेलिंग होगा MOUSTACHE। जी हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सुशांत सिंह हैड बीन वर्किंग इन बॉलीवुड -7 years। बताइए जल्दी से, सिंस होगा, फॉर होगा या फ्रॉम होगा। 10 सेकंड का टाइम है। इसका जवाब होगा दोस्तों फॉर। क्यों होगा? क्योंकि 7 years एक पीरियड ऑफ टाइम है और इसके साथ आता है हमेशा फॉर। और जब भी कभी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसके साथ आता है सिंस। हो सकता है ये आप अच्छे से ना समझ पा रहे हो अभी। दोस्तों इसके लिए आप इस दी गई लिंक पर जाइए, सिंस और फॉर को बहुत डिटेल में बताया गया है, ध्यान से पढ़िए अगर कोई भी डाउट लगता है तो। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों बताइए इस टाइम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। 15:05। इसे हम बोलेंगे 4:45। 4:45 क्यों बोलेंगे, इसका पूरा डिटेल में आपको इस लिंक पर मिलेगा। इस लिंक पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं। 4:45, 8:15, 8:30, 9:10, 15:03, इन सब को आप डिटेल में जान सकते हैं। दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस नो? आंसर कम ऑन क्विक। Guys, articles are not the part of speech. Parts of speech 8 होते हैं दोस्तों, जो होते हैं noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunctions and interjections. ये 8 part of speeches होते हैं। अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं डिटेल में, इस लिंक पर जाइए, डिटेल में आपको बताया जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसे हिंदी में झूमर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसकी स्पेलिंग आप बताइए दोस्तों। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शैंडलियर। शैंडलियर, इसकी स्पेलिंग होती है CHANDELIER। जी हां दोस्तों, शैंडलियर। एनीवे चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों वॉन्ट टू को वाना बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, गॉट इट को गॉचा बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो आप बताइए ये इन इट एंड वॉचा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये किसके कॉन्ट्रैक्शन है, इनका मीनिंग बताइए आप। दोस्तों इन इट का मतलब होता है इजंट इट, इजंट इट कैसा नहीं है। वॉचर का मतलब होता है व्हाट आर यू, लाइक व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट आर डूइंग।
चलिए ये हैं कॉन्ट्रैक्शंस। अगर आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं हमारी इस दी गई लिंक पर जाइए, आपको 75 कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाएंगे और आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्या इंडिया 2030 तक एक विकसित देश बन चुका होगा? इस हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ये जो हिंदी सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जो कि एक टेंस है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल इंडिया हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री टिल 2030। ये टेंस है दोस्तों। अगर आप इन टेंस को डिटेल में जानना चाहते हैं हमारी दी गई लिंक पर जाइए और अच्छे से पढ़िए इन टेंसेस को बहुत डिटेल में। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। आई वॉज इन मुंबई। फाइन, अब ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा क्या सही होगा। बिफोर टू इयर्स एगो, और दोनों सही है और दोनों में से कोई सही नहीं है। चलिए 10 सेकंड का टाइम है। मैं मुंबई में था 2 साल पहले, क्या होना चाहिए? जवाब होगा दोस्तों 2 years ago। क्यों होगा, बिफोर क्यों नहीं होगा, बताता हूं आपको। दोस्तों बिफोर का यूज होता है किसी घटना, दुर्घटना, किसी इंसिडेंस के पहले, लेकिन एगो का यूज होता है कोई भी समय जो अभी से पहले है लेकिन अभी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा 2 साल पहले, तो 2 साल पहले मतलब अभी के 2 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। अगर यह होता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले इंडिया ऐसा था, हाँ जी, तो यहां आता बिफोर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक घटना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई एम यूज्ड टू - क्रिकेट। क्या होगा बताइए, प्ले होगा या प्लेड होगा जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या प्लेड होगा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या प्लेइंग होगा? दोस्तों यहां पर जवाब होगा प्लेइंग। क्यों होगा? यूज टू का दो तरीके का यूज होता है। एक तो वो है जो आप पार्शियल मॉडल के रूप में जानते हैं, मैं ऐसा कुछ करता था, जो पास की हैबिट बताता है, वहां हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अर्लियर, तो यहां आएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप आई एम यूज्ड टू बोलेंगे तो इसके साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, और यह सेंटेंस बताता है कि आप कुछ करने के आदी हैं, आप कुछ करने के हैबिचुअल हैं, आप कुछ करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, जो कि है माय टू ब्रदर इन लॉज आर डूइंग 2 months कोर्स। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? किस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है? क्या सेंटेंस में 2 गलतियां हैं, बताइए क्या है? दोस्तों इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं। जी हां, पहली चीज टू ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, टू ब्रदर्स इन लॉ होगा, और यहां पर 2 months कोर्स नहीं होगा, 2 month कोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोर्स यहां पर नाउन है और 2 month उसका एडजेक्टिव बन के आता है, इसलिए इसके साथ दोस्तों एस नहीं लगेगा। दोस्तों ये सब चीजें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हमारे द्वारा होती हैं, आप हमारी इस दी गई लिंक पर, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक दी गई है, जरूर देखिए इस वीडियो को, जो आपकी कई सारे एरर्स को अलग करेगा। एनीवे दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका टोटल जवाब जो कि सही है वो 8 के ऊपर है, तो आप सही जगह पर हैं। और अगर नहीं है तो दोस्तों हमारे वीडियोस देखिए, क्या कर रहे हैं आप, इंजॉय करिए और सीखिए और डेवलप करिए अपनी इंग्लिश को। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड रिच योर इंग्लिश।